ये उस्मान है। उस्मान बड़ी हैरत से एक इमारत को देख रहा था और वो ये सोच रहा था कि ये इतनी लंबी इमारत कैसे बनाई गई होगी। उसे ये सोचकर बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर कितने सारे लोगों ने मिलकर ये इमारत बनाई होगी। उसने अपनी ऐनक ठीक करते हुए गौर से देखा तो इमारत के ऊपर एक उकाब बैठा दिखाई दिया। आज हम जो हर्फ सीखेंगे वो है ऐन। ये देखें, ये ऐन है और ये इसकी आधी शक्ल है। इसकी आवाज अ है। अ, मेरे साथ दोहराएं, अ अ। मेरे साथ ऐन वाले अल्फाज पढ़ें। ऐन से उस्मान, ऐन से इमारत, ऐन से ऐनक, ऐन से अजीब, ऐन से उकाब। हम वो अल्फाज सीखेंगे जिनके शुरू में ऐन आता है। ऐनक, इसे इंग्लिश में ग्लासेस भी कहते हैं। मेरी दादी अम्मा पढ़ते वक्त ऐनक लगाकर पढ़ती हैं। ऐनक काले रंग के भी होते हैं जो हमारी आंखों को धूप की रोशनी से बचाती है। उकाब, ये एक शिकार करने वाला परिंदा है। इसे हम शाहीन भी कहते हैं। इसकी आंखें बड़ी तेज होती हैं। अपना शिकार बहुत दूर से भी देख लेता है। उकाब ऊंचे पहाड़ों में रहता है। इमारत, मकान या घर को इमारत कहते हैं। इमारत पक्के ईंटों से बनी होती है और बहुत मजबूत होती है। औरत, हमारी अम्मी, नानी, दादी, ये सब औरतें कहलाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनके अलावा और कौन सी औरतें हमारे आसपास होती हैं? जी, खाला, चच्ची, फुप्पो। अब इन अल्फाज को दोबारा दोहराएं। अ ऐनक, अ उकाब, अ इमारत, अ औरत। अब आप अपनी जांच करें, इन तस्वीरों को गौर से देखें और बताएं कि इनमें कौन से अल्फाज ऐन से शुरू हो रहे हैं। जंजीर, इमारत, ऐनक, किताब, औरत, पहाड़, उकाब। जंजीर, क्या ये ऐन से शुरू हो रहा है? जी नहीं, जंजीर ऐन से नहीं शुरू हो रहा है। तो इमारत, क्या ये लफ्ज ऐन से शुरू हो रहा है? बिल्कुल दुरुस्त, इमारत का लफ्ज ऐन से शुरू हो रहा है। अब आप मजीद इन अल्फाज की शनाख्त करें जो ऐन से शुरू हो रहे हैं। गौर से देखकर बताएं। बहुत खूब, आपने सही पहचाना। इमारत, ऐनक, औरत, उकाब, ये अल्फाज ऐन से शुरू हो रहे हैं और यहाँ ऐन की इब्तदाई आदि शक्ल लिखी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।